8 मार्च की रात कांवड़िया ने अनुज शाह के निवासी गीजा सैफई जनपद इटावा का रामनगर में ओवरटेक को लेकर हुआ विवाद। विवाद होने पर ट्रैक्टर सवार कांवड़ियों ने अनुज के सिर में तमंचे से मारी थी गोली। पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। गंभीर घायल अनुज ने 13 मार्च को सैफई अस्पताल में तोड़ा था दम। एसपी अविनाश पांडे ने आरोपियों की तलाश में लगाई थी पुलिस की 3 टीमें। मैनपुरी पुलिस ने भिंड में डाला था डेरा। पुलिस ने 1 सप्ताह में किया खुलासा। भिंड निवासी सूरज भदौरिया उर्फ छोटू ने चलाई थी गोली। पुलिस ने सूरज के भाई कुलदीप भदौरिया उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ट्रैक्टर को किया बरामद। 3 फरार आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। एएसपी मधुबन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की दी जानकारी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए पवन सिंह की खास रिपोर्ट। सर, किचनी क्षेत्र में एक कांवड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, पुलिस द्वारा खुलासा किया गया, क्या पूरा मामला है? ये प्रकरण थाना किचनी क्षेत्र का है। बीते 8-9 की रात में वहाँ एक महिंद्रा ट्रैक्टर सवार कुछ व्यक्ति और मैजिक पर सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा आपस में आगे निकलने की होड़ को लेके गोली चली और इसमें एक अनुज नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी सैफई अस्पताल में। इस घटना को चैलेंज के रूप में लेकर किचनी पुलिस और स्वाट टीम द्वारा इसको स्वीकार किया गया और विभिन्न माध्यमों से इस ट्रैक्टर ट्राली को ट्रेस किया गया और अंततः उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसमें एक व्यक्ति जो इसमें मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य इससे पूछताछ करने पर और भी जो आसपास तथ्य मिले उनके आधार पर ये पता चला है कि इसमें मुख्य रूप से 4 लोग जो है घटना कारित करने में संलिप्त रहे हैं और अन्य 3 लोगों की गिरफ्तारी सीख की है।